अभी सेकंड गियर में है, मैंने पूरा पंजा दबाया है, ठीक है। अब थर्ड गियर में है 60, तो गाड़ी ऐसे ऐसे भी करोगे तो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरी गाड़ी जो है वो हिट हो गई थी, किसी और ने मेरी गाड़ी को पीछे से हिट कर दिया था, और फिर मैंने बॉडी शॉप में अपनी गाड़ी दी ठीक होने के लिए, और तब तक मुझे मिली थी एज अ लोनर कार, एज एन ऑल्टरनेट कार, मारुति सुजुकी सियाज। और आज की डेट में जहाँ देश में एसयूवी चलती हैं, तो मैंने सोचा कि भाई अब जब ये मौका मिला है तो इसका एक अच्छे से ड्राइव रिव्यू, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूं, और आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से मेरा इसका जो है वो चलाने वलाने का एक्सपीरियंस रहता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी की एर्गोनॉमिक्स की। देखो मैं खुद एक एसयूवी फेवरेबल पर्सन हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मेरे को गाड़ी में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरी हाइट 6'1" है, उसके बाद भी मेरे को गाड़ी में बैठने में कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हो रही है, आराम से मैं बैठा हूँ। एक डिफरेंस जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो फ्रॉन्क्स के मुकाबले, क्योंकि अब मेरे पास फ्रॉन्क्स है, तो वो ये कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो ये एरिया है, ये थोड़ा सा कम है। मतलब स्टेयरिंग के मेरे को थोड़ा पास महसूस हो रहा है। सीट को मैं और पीछे करना चाहूँ तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। हो सकता है कि लेटेस्ट मॉडल में ये चीज़ रिजॉल्व कर दी हो, ये शायद थोड़ा पुराने वाला वेरियंट हो, लेकिन ये है वैसे टॉप वेरियंट, क्योंकि इसमें सारा पूरा प्रीमियम फीचर्स वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ जो है वो टॉप नॉच है। सब कुछ इसमें गाड़ी में, पुश बटन वगैरह, स्टेयरिंग कंट्रोल, ऑटो डिमिंग, IRVM वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मामले में गाड़ी बढ़िया है, अर्गोनॉमिक्स के मामले में सब कुछ रीचेबल है। ये थोड़ी सी बज रही है, थोड़ी सी कहीं कहीं से आवाज़ें हैं, वो ऑब्वियस है क्योंकि गाड़ी जो है वो लोनर कार है, तो काफ़ी ज़्यादा चलती होगी। और ये गाड़ी आप बिलीव नहीं करोगे 95,000 किलोमीटर चल चुकी है। 95,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और 100,000 किलोमीटर चलने के बाद मैं इस गाड़ी का जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। और आप देखो ध्यान से MID में ये गाड़ी 95,000 किलोमीटर्स चली हुई है, ठीक है। तो अब मतलब एक काफ़ी वो हो जाता है कि भाई 100,000 किलोमीटर चलने के बाद में मारुति की गाड़ी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बेहतरीन आपको बताना चाहूँगा, इसका AC एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, जैसे किसी नई गाड़ी का करना चाहिए। और 1500 cc का इसके अंदर इंजन आता है, पेट्रोल ये गाड़ी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक AC है, यहाँ पर टच स्क्रीन वाला सिस्टम दिया हुआ है। और अगर मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले विद अडेप्टिव गाइडलाइंस देखने को मिल जाता है। AC वेंट्स की पोजीशन इतनी अच्छी है कि वो सीधी हवा जो है वो फेस पर जो है फेंक रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वुड वाली फिनिश है। अब बात कर लेते हैं विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, चारों तरफ से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी के मामले में फ्रॉन्क से बेटर है, तो विजिबिलिटी यहाँ पर अच्छी मेरे को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब गाड़ी को चला के देखते हैं। सबसे पहले तो जब मेरे को गाड़ी मिली तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो ब्रेक दबा के स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, वो बेसिकली क्लच दबा के स्टार्ट होनी थी। डालते हैं फर्स्ट गियर, चलाते हैं गाड़ी को, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों फिर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो कल मैं गाड़ी को लाया था और आज भी मैंने महसूस की, वो ये कि गाड़ी जैसे क्लच में छोड़ता हूँ ना पहले गियर में, तो उसमें ये अपने आप से एकदम से पुश नहीं लेती है, हल्का सा इसको ना एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी सेटिंग वगैरह का फ़र्क होगा। उसके अलावा ये तो मतलब एक तरीके से दो डबल रिव्यू हो जाएगा कि 100,000 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सियाज मारुति का इंजन, और एक ये कि ये जो गाड़ी है सिडान कैसा परफॉर्म करती है, कि एक SUV चलाने वाले को, एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चलाने वाले को कैसा जो है ये गाड़ी जो है वो लगती है, ठीक है। तो अब चलाते हैं गाड़ी को, पहले गियर में है और ये दूसरा गियर डाला, तो गाड़ी के इंजन में पूरी जान है, पूरा आप देखोगे ना तो मतलब ऐसे भाग रही है निकल के ना, लग नहीं रहा कि 100,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तीसरे गियर में देखो, दूसरे गियर में देखो, पूरा पंच इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है, और भागने के मामले में तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया चल रही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेफ्ट में लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि अपना धीरे धीरे पूरा ड्राइव रिव्यू वगैरह शेयर करूँगा मैं आपके साथ में। ओके, तो देखो 100,000 किलोमीटर चलने के बाद कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। AC मैटर करता है, इंजन की जान मैटर करती है, NVH मैटर करता है कि भाई इंजन से आवाज़ कितनी आ रही है। तो देखो जैसी नई गाड़ी वगैरह में होती है, जैसे मेरे पास ब्रिगजा थी, फ्रॉन्क्स थी, ये उतनी साइलेंट तो नहीं है,
लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर आवाज़ आ रही है, मुझे एक मिक्स आवाज़ आ रही है जिसमें थोड़ी इंजन की है, थोड़ी टायर की है, पर इंजन की आवाज़ थोड़ी सी मुझे हल्की सी महसूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर गाड़ियाँ जो मैंने चलाई हैं मारुति की, जो मेरे पास में रही हैं। ठीक है, अभी गाड़ी चौथे गियर में है, 5-speed गियर बॉक्स है ये, और चलाते हैं इसको अच्छे से, इसको तसल्ली से चलाएंगे और फिर देखेंगे क्या कुछ इसमें पंच देखने को मिल रहा है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, देखो गड्ढे तो हमारे यहाँ पे बिना कहे देखने को मिल जाते हैं, तो सस्पेंशन तो कहीं भी चले जाओ बड़े आराम से चेक होते हैं। तो सस्पेंशन में देखो, मेरे को लगता नहीं है कि गाड़ी के सस्पेंशन बदले गए हैं, ये ओरिजिनल सस्पेंशन है और ये अब मैं कह सकता हूँ थोड़े से स्टिफर साइड पे हैं, यानी कि थोड़ा सा जो है जब ये गड्ढों में जा रही है तो फीडबैक जो है, मतलब फीडबैक से ये मतलब नहीं है मेरा कि जो है वो गड्ढे महसूस हो रहे हैं, वो जो साउंड होती है ना एक थर्ड साउंड वाली चीज़, वो जो है वो महसूस हो रही है, तो हल्का सा जो है ये स्टिफर साइड पे है। ठीक है, उसके अलावा एसी बहुत ज़बरदस्त इसका काम कर रहा है, ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत बढ़िया है, आराम से जो है गाड़ी रुक रही है, कंट्रोल में है। देखो ये जो चीज़ मैं कह रहा था कि हल्का सा क्लच को ज़्यादा छोड़ना पड़ता है आपको गाड़ी को पुश करने के लिए, तो वो क्लच की और रेस की थोड़ी सी सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, तो क्लच को ज़्यादा छोड़ के जब वो गाड़ी रेस लेती है। अभी देखो गाड़ी थर्ड गियर में है, और अगर मैं थोड़ा सा इसको निकाल के देखूँ, देखो गाड़ी कितनी बढ़िया एकदम से निकल के भाग रही है, मतलब इंजन में पूरी जान है, इंजन में पंच पूरा दे रखा है अभी भी, और 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी मतलब ऐसा लग नहीं रही है कि इतना ये गाड़ी चल चुकी है। ये देखो पूरा मतलब 80 लगभग मैंने टच कर दिया था अभी, और गाड़ी बहुत ही बढ़िया, हल्की हल्की सी कहीं कहीं से खड़खड़ वाली जो साउंड होती है भाई, वो एविडेंट है क्योंकि लोनर गाड़ी है, तो हर कोई, अब ये कोई सिंगल पर्सन गाड़ी तो है नहीं, और ये भी एक तरीके से चेक हो रहा है कि भैया एक गाड़ी जो इतने लोगों के हाथ में रही हो वो किस तरीके से चल रही है, तो मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये इतने ज़्यादा लोगों ने चलाई है, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक इंसान ने चलाई है और इतनी चला ली है, उसके बाद में अंदर से गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन थी, वो खैर मारुति वाले रखते होंगे। चलते हैं और आगे की तरफ थोड़ी और खाड़ी सड़क पर इसको चला के देखेंगे, और बाकी सही में अगर ये इस तरीके की गाड़ी चली हुई जो इंजन इतना बढ़िया हो अगर किसी को सेकेंड हैंड में मिले तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी डील है, बढ़िया चल रही है गाड़ी। एक सस्पेंशन का इसमें हल्का सा काम है, और एक जो कहीं कहीं पे खड़खड़ है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो लूज एंड्स होते हैं जो कि बोलने लग जाते हैं, जो कि दिक्कत करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी देखनी होती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में 170 mm की देखने को मिलती है, तो जब भी कहीं से मैं निकालता हूँ तो थोड़ा ध्यान से, मैं वैसे भी आराम से ही चलाता हूँ, तो थोड़ा इसको ध्यान से निकालो, बाकी कोई दिक्कत ये समस्या ये गाड़ी जो है करने नहीं वाली है। नॉर्मल स्पीड पे तो मतलब जो इंजन स्टार्ट वगैरह है उसमें तो बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, पुश बटन वगैरह भी सिंगल पुश पे एकदम बढ़िया तरीके से जो है गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और गाड़ी में बाइट बहुत अच्छा है जो मैं कह सकता हूँ। और अक्सर क्या होता है कि मारुति का देखा जाता है कि सेकंड गियर जो है वो थोड़ा ढीला होता है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। अब खैर वो पुरानी बातें हो गई, वो पहले हुआ करता था कि सेकंड गियर थोड़ा जो है वो वीक रहता है, लेकिन अब तो सेकंड गियर भी अच्छा खासा जो है वो पंच दे रहा है। आगे स्पीड ब्रेकर वगैरह हैं, वहाँ पर गाड़ी को निकाल के देखेंगे कि कैसे जो है ये और कैसा सस्पेंशन जो है वो रहता है। नहीं यार सस्पेंशन भी एकदम मतलब बढ़िया है, ऐसा महसूस नहीं होता, कहीं कहीं पे गड्ढों में वो स्टिफर महसूस होता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर वगैरह पे एकदम बढ़िया तरीके से काम जो है ये कर रहा है। और जो खड़खड़ वाली साउंड है ना वो भी कुछ एक दो पर्टिकुलर एरियाज में से है, ऐसा नहीं कि भाई पूरी गाड़ी जो है वो खड़खड़ कर रही है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। पर एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत बढ़िया लगी वो है इसका इंजन, इतना चलने के बाद भी, इतने लोगों के थ्रू चलने के बाद भी एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।
हॉर्न सही है, हॉर्न का साउंड सही है, ना आपको इरिटेट करेगा ना दूसरे को इरिटेट करेगा, अच्छा डिसेंट इन्होंने हॉर्न दिया हुआ है। और ये जो है ना सेमी डिजिटल डिस्प्ले है जो इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। थोड़ा एक जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी इसी तरीके का डिस्प्ले आता है, तो देख के अच्छा लग रहा है। अभी आगे से घुमा के एक रोड थोड़ी सी खाली रहती है उस पर थोड़ा सा इसको पुल करके देखेंगे। चौथे गियर में भी अगर स्पीड 40 की है ना तो भी गाड़ी उठने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब झटके वगैरह वो जो गैप्स वगैरह होते हैं वो शो कर रही हो, बड़े आराम से जो है ये गाड़ी उठ रही है और कोई उसमें दिक्कत नहीं कर रही। सेकंड गियर में भी काफ़ी अच्छा खासा पंच दे रखा है। एक चीज़ मैंने नोटिस की अभी अभी कि किसी टर्न वगैरह पे ना जो ए पिलर है ना ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब ये तो खैर कॉमन बात है मतलब, लेकिन ये जो है काफ़ी हैवी हो जाता है कई बार, ये फ्रॉन्क्स में भी इशू है। अब देखो यहाँ पर जो है कहीं कहीं पे मतलब रोड अनइवन है थोड़ी सी, तो वो थोड़ा सा साउंड वगैरह आ रहा है। इंजन का मैं कहूँगा कि ये इंजन का कोई साउंड नहीं है, ये इंजन का एक तरीके से लाइफ है जो कि वो बयान कर रही है अपने साउंड के थ्रू, अपनी नॉइज़ के थ्रू। ये एक तरीके से देखो आगे भी सियाज जा रही है और ये तो गाड़ी मतलब हिट भी हुई हुई है, काफ़ी चली हुई गाड़ी है ये भी। सियाज पहले डीजल में भी आती थी और ये जो गाड़ी है जो मैं चला रहा हूँ वो पेट्रोल गाड़ी है। और इसको थोड़ा सा आगे एक रोड पर और थोड़ा सा चला कर देखते हैं। स्टेयरिंग थोड़ा सा इसका टफ है, मतलब स्टेयरिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये प्रॉब्लम आई होप कि डेफिनेटली ये अब सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। फ्रॉन्क्स का भी स्टेयरिंग बहुत इन्होंने काफ़ी लाइट कर दिया है और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर कंपनी अपनी एसेस करती है और उनको इम्प्रूव करती है। जैसे कि सस्पेंशन मारुति ने नई वाली ब्रीज़ा में बहुत इम्प्रूव की है पुरानी वाली ब्रीज़ा के हिसाब से। और देखो यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा सा पुल करके देखेंगे। देखो अभी सेकंड गियर में है, मैंने पूरा पंजा दबाया है, ठीक है। अब थर्ड गियर में है 60, ये देखो। अब ये मैं इसको लेके जाऊँगा 80 पे और थोड़े से लोग चल रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ी स्लो कर ली। बड़े आराम से एकदम से मतलब कुछ ही सेकंड्स में ये 80 पे पहुंच गई थी, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते यहाँ पे तेज, आगे ब्रेकर वगैरह भी आते हैं। देखो हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी गाड़ी की स्पीड पकड़ते टाइम जो है वो बहुत अच्छी है, कोई इसमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा जो है कि ये ज़रा सी भी गाड़ी हिल रही हो या कुछ कर रही हो। अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पिकअप भी ले रही है और स्टेबल भी है गाड़ी, एकदम से दब के चल रही है। आगे देखो ये जो ब्रेकर है ना ये एक बहुत बड़ा ब्रेकर है, ये अच्छा खासा इन्होंने काफ़ी ऊंचा ब्रेकर बनाया हुआ है। देखो इस पे निकालते हैं गाड़ी को धीरे से। जब भी ऐसा कोई आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम हो और आपको उसको निकालना हो तो उसको टेढ़ा करके निकालो, तो उससे क्या होता है कि लगने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा ग्रंट है यार इंजन में गाड़ी के ना, बहुत मज़ेदार एकदम से इंजन, एक तरीके से फन टू ड्राइव कहूँगा मैं इसको, प्योर की फन टू ड्राइव एकदम से चल रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात महसूस नहीं हो रही इंजन के एस्पेक्ट से। फिर से एक बार थोड़ा सा पुल करके देखते हैं यहाँ पे गाड़ी को ना, सेकंड गियर में है 3,500 RPM तक लेके गया मैं। फोर्थ गाड़ी ऐसे ऐसे भी करोगे तो मस्त एकदम से बढ़िया हिल नहीं रही है और एकदम चिपक के चल रही है गाड़ी। बढ़िया गाड़ी है यार, मतलब एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, बस मेरे लिए थोड़ा सा हेडरूम कम है, तो अगर मुझे लेनी होगी तो आई वुड नॉट प्रेफर इट, बट अगर किसी की हाइट कम है उनको सेडान पसंद है तो उनके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, कुछ सोचने वाली कोई बात नहीं है, वो ले सकते हैं ऐसी गाड़ी को। और बहुत बढ़िया ये जो है परफॉर्म भी कर रही है, चाहे वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो, चाहे वो भगाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, गाड़ी अच्छे से जो है वो
काम कर रही है। तो दोस्तों ये था मेरा एक मारुति सुजुकी सियाज का ड्राइव रिव्यू। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करना। हो सकता है मैंने मेंशन ना किया हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और बने रहिएगा चैनल पे इसी तरीके की ऑनेस्ट ओपिनियंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।